हेलो फ्रेंड्स, एमटीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, जैसे को तैसा। एक सारस और लोमड़ी दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन करने का न्योता दिया। सारस ने न्योता स्वीकार कर लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने खीर बनाई। सारस जब उसके घर आया तो लोमड़ी एक चौड़ी थाली में खीर परोस लाई। उसने सारस से कहा, आओ भोजन शुरू करें। दोनों ने खाना शुरू किया। लोमड़ी जल्दी जल्दी थाली में से खीर खा गई। सारस अपनी लंबी चोंच से चौड़ी थाली में से कुछ भी न खा पाया। वह भूखा रह गया। उसने मन ही मन लोमड़ी को मजा चखाने की बात। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने खीर बनाई और लंबी गर्दन वाले बर्तन में परोस दी। लोमड़ी बर्तन के चारों ओर चक्कर काटती रह गई। उसका मुंह खीर तक पहुंच ही नहीं सका। सारस अपनी लंबी चोंच से खीर खा गया। लोमड़ी उसका मुंह देखती रह गई। शिक्षा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक